हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे साथ काफी दोस्त जुड़ चुके हैं, गुरिया, अनु, प्रभात, अधिरथ, सिमरन, आर्या। हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस न्यू जर्नी ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12 दोस्तों। एंड आई प्रॉमिस दिस इज गोना बी वन रोलर कोस्टर राइड। बहुत सारे बच्चों से जब वो अभी तक मुलाकात हुई है, वो प्रोफेशनल लेवल पर हुई है, एट सी इंटरमीडिएट लेवल टैक्सेशन, लेकिन आज जो ये मुलाकात है दोस्तों, दैट इज गोना बी अ रॉकिंग राउंड दोस्तों। एंड आप लोगों को मन ही मन लग रहा होगा कि सर कहां आप, हमें पहले क्यों नहीं मिले। और दोस्तों आज वो शुरुआत करते हैं दोस्तों ऑफ गोइंग बैक टू दो स्कूल डेज, एंड आई प्रॉमिस यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग आर्या, सिमरन, धनलक्ष्मी, श्रेया, नमन, खुशी, हाय एवरीबडी, हेलो। एंड जो आज ये शुरुआत होने वाली है अकाउंटेंसी की क्लास 12 की दोस्तों, जिसके में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा। टिंकू कह रहे से क्लास 12 की ये क्लास है, यस। विशाल इज सेइंग से सीए फाउंडेशन में कौन कौन है। सीए फाउंडेशन में हमारे अंशुल सर है फॉर अकाउंट, निशांत सर है फॉर मैथमेटिक्स, उर्मिला मैम है फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स के लिए। अभी अभी आप लोगों की मुलाकात जिनसे हुई, अखिलेश सर हैं दोस्तों। तो हमारा जो ये सेशन है दोस्तों, बिकॉज दिस इज अ वर्चुअल सेशन, मैं आज दिल्ली में बैठा हूं और आप लोग अपने देश के अलग अलग कोने में बैठे हैं दोस्तों, बट वी विल बी कनेक्टिंग एवरी सिंगल डे इन ऑर्डर टू डेवलपर द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्जेक्ट दैट इज एवर बीन मेड। I'm not saying क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, I am saying because this whole subject is based on logics. और जब उस logic को अपन पकड़ लेंगे ना दोस्तों, I promise you will enjoy each and every moment of these sessions. Okay, Chiman sir, आप class 11 नहीं पढ़ाओगे क्या? मैं 11th भी पढ़ाऊंगा। अंशुल सर 12th भी पढ़ाएंगे। अंशुल सर की क्लास मेरे बाद है, उसे भी मिस नहीं करना दोस्तों। अंशुल सर क्लास 11th की शुरुआत करेंगे और मैं क्लास 12th की शुरुआत करूंगा, एंड वी विल वर्क एज ब्रदर्स। मैं कई बार 11th में आ जाऊंगा, वो 12th में आ जाएंगे, बट वी विल मेक श्योर दैट वी डिलीवर द सब्जेक्ट टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी। मैं जैसा कि कह रहा था दोस्तों कि अपन लोग क्लास जो वर्चुअल क्लासेस हैं, तो आप लोग तो मेरे साथ चैट में अपने डाउट्स पुट ऑन कर ही सकते हैं, लेकिन आप लोगों के डाउट्स कुछ भी मिस ना हो जाएं, इसीलिए आई हैव गॉट टू वर्चुअल फ्रेंड्स। सिर्फ वर्चुअल फ्रेंड्स मतलब क्या है, मैं बताता हूं दोस्तों, उनका नाम है आप लोगों के सामने लेकर आता हूं दोस्तों, एंड आई वुड विश कि आप लोग उनसे हेलो करें, सर ये 11th की क्लास है या 12th की? ये 12th की क्लास है दोस्त। दो हमारे जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं उसमें सबसे पहला आप लोगों के सामने आ गया है, इसका नाम है कीकू। तो आप लोग भी आदत डाल लें कि जब भी ये आएगा दोस्त हमारा मुस्कुराते हुए इन समवॉट ग्रे टी शर्ट, इसका नाम है कीकू, और कीकू विल कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट्स जनरली डू इन अ नॉर्मल फेस टू फेस क्लास। आप लोग तो पूछ ही सकते हैं, ऑफ कोर्स इनटू द चैट बॉक्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी, लेकिन कोई ऐसा ट्रिकी पॉइंट जो शायद आप लोगों ने ना पूछा हो, कोई ऐसा पॉइंट दोस्तों जो कहीं ना कहीं मिस ना हो जाए, तो आई विल मेक श्योर दैट दीज टू फ्रेंड्स, वन इज कीकू, ये नॉटी वाला शैतान बच्चा है। आप में से कितने कितने दोस्तों अपने आप को एक शैतान बच्चा कंसिडर करते हैं? एक बार थम्स अप तो दो, एक बार थम्स अप। और अगला दोस्त जो हमारा है, हमारा चश्मिश फ्रेंड, हमारा टीटू दोस्त दोस्तों, और हमारा टीटू दोस्त, और ये टीटू थोड़ा स्टूडियस है, पढ़ाई में ज्यादा जान लगाता है। तो कौन कौन सा बच्चा है दोस्तों हु कंसिडर हिमसेल्फ टू बी अ लिटिल नॉटियर वन एंड द वन हु इज अ स्टूडियस वन? तो मैं अपना बताओ दोस्तों। हाय, गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग सब लोग, एवरीबॉडी इज सेइंग हेलो टू कीकू एंड टीटू, एंड दीज फ्रेंड्स आर गोना हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर सिलेबस। सुशांत कह रहा है सर हम हैं उन बच्चों में जो शैतान बच्चे वाले में है। ओके, गुड इवनिंग अधिनाथ सर, मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं वीडियो देख सकता हूँ? ऑफकोर्स आयुष, ऑफकोर्स आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो जेनरिक वीडियो है आज का, लास्ट में मैं आई विल जस्ट स्टार्ट विद द ब्रीफ अप ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड दैट इज व्हाट ऑलवेज यू आर गोना स्टडी इन क्लास 12। तो शुरुआत जो कर रहा हूं दोस्तों,
वो सबके लिए, चाहे वो आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो या अदर बोर्ड के हो, दोस्तों वी विल कवर द सिलेबस इन सच अ वे कि हर बच्चा अक्रॉस इंडिया, इफ ही हैज चोजन कॉमर्स फील्ड एंड उसे अकाउंट्स पढ़ना है, तो उसे राठी सर और अंशुल सर के साथ ही पढ़ना है. एवरी सिंगल डे विदाउट फेल वी विल बी देयर टू असिस्ट यू, वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. सो एवरीबॉडी, सब लोग कीकू टीटू से मिल चुके हैं एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. और दोस्तों आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं अकाउंटेंसी का एक छोटा सा ओवरव्यू. आप लोगों को जानकारी होगी इस चीज की, आई नो अकाउंटेंसी विच इज आई हैव सेग्रीगेटेड 3 parts, पार्ट ए एंड बी 80 marks का, जो अपन बोर्ड का जिसे पेपर बोलते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो 80 marks का पेपर आता है, वेर एस 20 marks का जो होता है वो कहीं ना कहीं इंटरनल असेसमेंट अपन बोलते हैं, जो स्कूल वाले ही मार्क्स देते हैं, जो स्कूल वाले ही मार्क्स देते हैं दोस्तों, प्रोजेक्ट वर्क जिसे अपन बोलते हैं. कहीं ना कहीं सर ये जो पार्ट सी होता है ना 20 marks, जो टीचर का चहेता है वो कुछ करे नहीं करे सर, उसे 20 marks मिलते ही मिलते हैं. आप लोग जानते हो इस चीज को, आप लोग जानते हैं. कौन कौन अग्री करेंगे विद मी ऑन दिस पार्ट दोस्तों, डू अ थम्स अप. एंड पार्ट ए एंड बी के लिए ही हम लोग हर रोज मिलेंगे, मैं मिलूंगा, अंशुल सर मिलेंगे, और जो आप लोगों की तैयारी करवाएंगे ना दोस्तों, 80 on 80 तो आने ही चाहिए. मैं 5 साल से दोस्तों 11th 12th की पढ़ाई करवा रहा हूं. अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर 5 साल से पढ़ा रहे हो तो अभी तक आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने मार्क्स बच्चों के आए हैं? 99 आए हैं, एक नंबर रह गया है. अब वो एक नंबर दोस्तों आप लोगों को ये रिकॉर्ड तोड़ना होगा, आप लोगों को वो 100 on 100 टच करना होगा दोस्तों. क्या तैयार हो उसके लिए? एवरीबॉडी यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट 100 on 100 marks, एंड दैट इज व्हेन यू विल एक्चुअली फील इट आउट कि यार हमने इंडिया टॉप किया है. क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 on 100 आ सकते हैं. यस और नो? तो ये अदनत कह रहा है सर आई एम इन 11th. यस अदनत, बट दिस इज ऑल्सो गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं. अब आ रहा हूं दोस्तों मैं पार्ट ए एंड बी जो 80 मार्क्स का था, जिसमें से आज हम लोग पार्ट ए की एक छोटी सी शुरुआत भी कर देंगे. क्योंकि जब मिले कुछ पढ़कर ही जाना दोस्तों, कुछ नया सीख कर जाना, कुछ अलग तरीके से पढ़ाई होगी. और आप लोगों को दोस्तों द टाइम विद मी विल वैनिश लाइक दिस. ये बस एक छोटी सी शुरुआत है, बस बी अ लिटिल कंसिस्टेंट. और जैसी वो कंसिस्टेंसी पकड़ ली दोस्तों, प्रोबेबली वी विल नेवर हैव टू लुक बैक. 60 मार्क्स जो आता है दोस्तों, जिसमें यूनिट नंबर 1 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. तो दिस इज व्हाट वी आर गोना स्टार्ट टुडे. टुडे इटसेल्फ पहली क्लास मिला है सर, कुछ पढ़कर नहीं जाएंगे तो कहां मजा आएगा. जूनियर्स आई एम रियली सेड यू विल एंजॉय द राठी सर क्लासेस. थैंक यू सो मच धनलक्ष्मी. धनलक्ष्मी इज इन टू सी ए एजुकेशन और वो अपने जूनियर्स से कह रही है कि राठी सर की क्लास में आना तो मजा जरूर आएगा. एंड आई प्रोमिस टू यू धनलक्ष्मी कि आई विल नॉट लेट योर वर्ड्स डाउन. एक बार बच्चा जब जुड़ेगा, धीरे धीरे मेहनत करेगा, क्विजेज में जाएगा, डाउट सॉल्विंग सेशन में जाएगा, जब मैं उसके साथ ट्रिक्स खेलूंगा, मैं उसे बुद्धू बनाऊंगा, एंड देन आई विल पिक हिम अप दोस्तों. दैट इज द मोमेंट जहां मेरे और मेरे बच्चों की वो केमिस्ट्री बनेगी, वो बॉन्डिंग बनेगी दोस्तों. अकाउंटिंग फॉर कंपनी, तो ये हमारे दोस्तों बेसिकली 3 parts हैं दोस्तों 60 मार्क्स के, जिसमें से आप लोगों को जानकारी भी होगी कि कौन से हिस्सा कितने मार्क्स का है. यस सर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का आता है, पार्टनरशिप फर्म 30 मार्क्स का. तो द मेजर चंक दैट वी विल बी स्टार्टिंग टुडे, ये दोस्तों कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म से शुरुआत होगी. और कहते हैं ना गुड स्टार्ट इज हाफ डन, तो आज जो एक छोटी सी शुरुआत करेंगे दोस्तों, वो एक बहुत लंबी जर्नी की एक छोटी सी शुरुआत है. सर इज इट फॉर 11th स्पेसिफिकली नो इट इज फॉर 12th, बट वॉट एवर यू विल बी स्टडिंग टूडे इट विल बी ऑलवेज ऑलवेज हेल्पफुल. बिकॉज 11th के बाद जब आप 12th में आओगे दोस्तों, तो आप लोगों को ये छोटा सा बेसिक्स क्लियर होगा. आई एम नॉट आस्किंग फॉर वे टू मच टाइम, आई एम जस्ट आस्किंग 30 minutes. 30 minutes, and दोस्तों you are gonna enjoy each and every moment. Guria is saying exactly, धनलक्ष्मी को टैग किया है. Okay, and
accounting for partnership firm, that is what I have also gotten into the next slide. I'll tell you कि 30 marks का है. अब 30 marks की सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी. And then finally, accounting for companies, it is of 20 marks. Next, part B, जो 20 marks का है दोस्तों, जिसमें हमें unit number 4 and unit number 5 cover up करना है. Analysis of financial statements, ratio analysis वगैरह आप लोगों को मिलेगा दोस्तों. And followed by cash flow statements. कैश फ्लो स्टेटमेंट दोस्तों उतना ही ज्यादा जोरदार है. आई विल हैव टू शोकेस माय स्किल्स धीरे धीरे. इज दिस फॉर क्लास 12th? यस खुशी, दिस इज फॉर क्लास 12th. और कहीं ना कहीं जब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आओगे, यू विल सी योरसेल्फ इनटू अ डिफरेंट जोन. तो वो होता है ना स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड, दैट इज वॉट यू विल हैव टू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं यू विल हैव टू मेक श्योर कि कहीं ना कहीं यू ऑलवेज हैव दैट बटन ऑन. Sir, only for 12th, not see ये वाले syllabus, ये वाला portion आप लोगों का CA foundation में भी है. तो CA foundation के revision के लिए क्यों नहीं मिल सकते, CA foundation की तैयारी के लिए क्यों नहीं मिल सकते? ये वाला तो partnership firm तो intermediate में भी है, CA intermediate में भी है, तो अपन वहां पर भी मिलेंगे. मतलब this class जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, fundamentals of partnership firm, that starts from class 12th till CA intermediate level तक. क्लास 11th का कब स्टार्ट होगा? जय, मेरी क्लास के बाद, मेरी क्लास के बाद. थोड़ा सा इंतजार करो मेरे दोस्त, मेरी क्लास के बाद अंशुल सर आ रहे हैं और अंशुल सर क्लास 11th का आगाज कर देंगे, स्टार्टिंग कर देंगे. एज प्रोमिस टू यू गाइज टू डेज बैक, एज प्रोमिस टू यू गाइज टू डेज बैक कि हम लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे, पढ़ाई कराते रहेंगे बेनागा बेधड़क हर रोज. ओके, मगर उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, हमारा अन अकेडमी क्लास 11th 12th कॉमर्स का जो चैनल है दोस्तों, उसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा. एंड फ्रॉम द 15th, फ्रॉम द इंडिपेंडेंस डे दोस्तों, हम लोग आप लोगों को उस चैनल पे मिलेंगे और उस चैनल पे हमारी जोरों शोरों से तैयारी चलती रहेगी. एंड फाइनली पार्ट सी विच इज 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क, टाइम फॉर क्लास 11th कॉमर्स, टाइम फॉर क्लास 11th इज जस्ट आफ्टर माय क्लास. एक पहले हमारी आज अखिलेश सर की क्लास हुई, उन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग करी दोस्तों. मैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी की स्टार्टिंग कर रहा हूं और अंशुल सर मेरे बाद क्लास 11th अकाउंटेंसी की शुरुआत कर देंगे आज. अब बात ये आती है सर, हमारे सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट छोड़ना है, हमारे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बीएसटी है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, एंड फॉर दैट वी आर हायरिंग द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ पैन ऑन पैन इंडिया बेसिस. जो बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, दे विल ओनली कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे विल डिलीवर द सब्जेक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी टच दैट 3-digit figure. मेरे को 3-digit figure चाहिए, आई एम नॉट आस्किंग फॉर वे टू मच. ओके, अकाउंटेंसी बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोस्तों, कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी पुलर है. जो थोड़े से थ्योरिटिकल सब्जेक्ट होते हैं, लेट्स से बीएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इन दैट केस ये अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उन्हें पुल करता है. So even if you secure 85-90 marks in other subjects and secure 100 in accountancy, दोस्तों आप, you guys can actually touch the percentage of 95 and above. उसके लिए ये subject में you will have to be the best. Okay. Weightage as per CBSE दोस्तों, partnership की मैंने आप लोगों के सामने पहले भी बता दी. And now 30 marks की दोस्तों आप लोगों का आज एक छोटी सी शुरुआत करते हैं. Everybody ready to rock and roll for today's session? मेरे को एक बार thumbs up करेंगे and then we're gonna start with today's session दोस्तों. It might be a smaller one, लेकिन as promised to you, start तो जरूर करूंगा दोस्त. थोड़ा ही सही, पढ़ेंगे जरूर, हर रोज पढ़ेंगे, हर रोज शाम को मिलेंगे and I will be there to guide you in this subject दोस्तों. Everybody ready to rock and roll? So can I get link of economics link which has already been done? आपको लिंक की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर जो पिछला वीडियो डला है बच्चे, वो इकोनॉमिक्स का ही डला है, वो इकोनॉमिक्स का ही डला है. तो आप जब ये वीडियो खत्म हो जाए, अंशुल सर की वीडियो खत्म हो जाए, उसके बाद आप इसी चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं. ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं. और टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस पार्टनरशिप दोस्तों, There will be 7 topics, जिसमें सबसे पहला है accounting for partnership firm fundamentals, जिसकी आज हम एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं.
ओके फिर सेकंड आएगा गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉलोड बाय चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स अगर व्हाट इफ देयर इज अ चेंज इन पीएसआर एंड हाउ इट इज टू बी कंप्यूटेड वो जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये जो है ना दोस्तों दीज विल फॉर्म द बेस रूट्स आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब बेसिक्स आप लोगों के क्लियर होंगे जब रूट स्ट्रांग होंगे ऑन दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू एक ऐसा पेड़ बनाओ दोस्तों जो हरा भरा रहे फल देता रहे दोस्तों एंड ये दोस्तों ये रूट फॉर्मेशन है द फर्स्ट थ्री चैप्टर्स नॉट ओनली टिल 11th 12th सीए फॉर ऑलवेज फॉर इनटू योर लाइफ ऑल द टाइम दोस्तों मतलब प्रोफेशनल लाइफ में जब आप लोग एज अ प्रोफेशनल चाहे आप आगे जाके सीए चुने सीएस चुने सीएफए चुने सीएमए चुने आप लोग एमबीए के फील्ड में जाएं आप लोगों का बेसिक्स शुड ऑलवेज बी वेरी स्ट्रांग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जब भी आप जिस भी फील्ड में जाएंगे इट विल ऑलवेज बी इजी फॉर यू गाइज टू टेक केयर ऑफ एंड नाउ जो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव वाले पॉइंट्स आते हैं जो एक्सटेंसिव वाले पॉइंट आते हैं दोस्तों वो ये तीन पॉइंट्स हैं इनफैक्ट ये चार पॉइंट्स एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये होंगे वो फ्रूट्स दैट विल एक्चुअली मतलब ये हैं आपके रूट्स पहले तीन चैप्टर एंड ये हैं आपके फ्रूट्स क्योंकि जो ज्यादा मार्क्स आते हैं दोस्तों वो इन चैप्टर्स में से आते हैं वो ज्यादा मार्क्स जो आते हैं वो इन चैप्टर्स में से आते हैं एडमिशन रिटायरमेंट डेथ एंड डिसोल्यूशन नमस्ते सर फ्रॉम सीए फाउंडेशन ऑफ अन अकेडमी नमस्ते यश नमस्ते तो लेट अस ट्राई एंड लेट अस स्टार्ट विद फॉर्मिंग द रूट्स ऑफ दिस चैप्टर दोस्तों तैयार हो जाओ और ओए ये आपका कौन सा दोस्त है दोस्तों ये कौन सा दोस्त है इसका क्या नाम है सर ये ग्रे वाला तो कीकू है और नाम भी लिखकर लाया है क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना आप लोग शायद जानो नहीं जानो दोस्तों कीकू है एंड लुक एट हिज फेस क्या हुआ कीकू भाई कहते हैं सर आज पता चला अकाउंट्स 12th की पहली क्लास है तो मन में बड़ी घबराहट हो रही थी नया सब्जेक्ट है नया कहां है 11th में तो पढ़ा लेकिन सर 11th में तो पार्टनरशिप नहीं पढ़ा 11th में तो कंपनीज के बारे में भी नहीं पढ़ा 11th में तो डिबेंचर्स वगैरह के बारे में भी नहीं पढ़ा है सर कैश फ्लो वगैरह भी नहीं जाना आज जो आपने टॉपिक्स बताए सारे मन मन में डर लग रहा है और आज जो आपका फर्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं ओके तो कीकू के दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ गए हैं कीकू मेरे सामने दिख रहा होगा मैं इधर इधर हो जाता हूं दोस्तों ये लो तो अब आप लोगों को आपका दोस्त बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कीकू और ये आप लोगों से चार क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाकर लाया है एंड आई वॉन्ट यू गाइज इन टू द चैट बॉक्स टू हेल्प हिम आउट एंड थ्रू दिस वे इट विल ऑलवेज बी एन इंटरक्टिव सेशन दोस्तों जहां हम मैं बोलूंगा सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा मोनोटोनस हो जाएगा बोरिंग हो जाएगा मेरा एक पैटर्न रहेगा दोस्तों अकाउंटेंसी बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादातर तो हम प्रैक्टिकल ही करेंगे लेकिन वी कैन नॉट इग्नोर द थ्योरी पोर्शन ऑल्सो तो वॉट विल वी डू अपन हर सेशन में थोड़ा सा थ्योरी करेंगे लेट्स से फर्स्ट 10 टू 15 मिनट थ्योरी करेंगे एंड देन वी विल गो ऑन टू द प्रैक्टिकल पोर्शन बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली एंजॉय मोर ऑफ प्रैक्टिकल ओके जूनियर्स हम इन्हीं टीचर्स से ही पढ़ना अगर 95 लाना है तो थैंक यू सो मच यश यश कह रहा है सर कि जूनियर्स को अपने कि भाई इन्हीं टीचर से पढ़ना अगर 95 प्लस लाना है तो एंड यश आई प्रॉमिस टू यू आई विल पुट एवरी हार्ट एंड सोल टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक योर दिस स्टेटमेंट कम ट्रू कि जितने ज्यादा बच्चे जुड़े हैं जितने अच्छे से वो हमारे से मेहनत करेंगे ये 95 प्लस को अपन धीरे 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 बढ़ाकर उस ट्रिपल डिजिट पे लेकर आना होगा अच्छा नाउ कमिंग ऑन टू कीकूज क्वेश्चन तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप ओके पहला क्वेश्चन आया है हमारे दोस्त का कि सर आपने कहा कि हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स चालू करने वाले हैं पार्टनरशिप के हमारे फंडामेंटल्स चालू होंगे तो सर पार्टनरशिप का मतलब तो बताओ ओके अच्छा पहले भाई तो एक बार अपने सारे सवालों की झड़ी निकाल ले फिर वी विल कम वन बाय वन एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू हेल्प मी आउट इनटू द चैट बॉक्स की व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप सेकंड हाउ मेनी पार्टनर्स कैन बी देयर पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं व्हाट हाउ आर द प्रॉफिट्स एलोकेटेड बिटवीन द पार्टनर्स जो प्रॉफिट हमें एलोकेट करना है पार्टनर्स को वो हमें कैसे करना है ओके एंड एंड
कहता है सर आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, मैं 16 साल का हूं. ओके, कैन आई बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म? अमेजिंग कीकू, अमेजिंग. फॉर द फर्स्ट सेशन दैट वी आर मीटिंग टुडे दोस्तों, कीकू इज आस्किंग मी क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों के भी मन में आया होगा इन डे वन. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू हेल्प मी आउट विद एक्चुअली दीज फोर क्वेश्चन जो हमारे दोस्त ने पूछा है. इट विल ऑलवेज बी दिस क्वेश्चन आंसर राउंड, क्योंकि इस वर्चुअल क्लास में दोस्तों अगर हम बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम एक दूसरे के सामने अपनी बातें पुट ऑन नहीं करेंगे, इट विल बी रियली डिफिकल्ट, इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू कन्वे द होल होल सब्जेक्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. हाँ जी दोस्तों, आई एम लुकिंग फॉर द फर्स्ट आंसर की वॉट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप. आप लोग मेरे को कोई मदद करेगा दोस्तों कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? सर पार्टनरशिप मतलब वही ना जो सचिन और सौरभ गांगुली करते थे क्रिकेट के फील्ड पर. वो भी पार्टनरशिप है, मतलब दैट इज नॉट अ बैड आंसर एक्चुअली, क्योंकि वो भी पार्टनरशिप ही है. लेकिन क्या वो पार्टनरशिप ऑन प्लेइंग ऑन टू द क्रिकेट ग्राउंड? एंड वॉट माई कीकू इज आस्किंग कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का क्या मतलब है? तो यहां पर दोस्तों पार्टनरशिप डज नॉट मीन जो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग क्रिकेट की फील्ड पर देखते हैं बिटवीन टू प्लेयर्स. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो भी एक पार्टनरशिप है, लेकिन दोस्तों यहां पर पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन अ अग्रीड रेशियो. वेल डन गौरव, रियली इंप्रेसिव, रियली इंप्रेसिव. तो गौरव ने जो कहा है दैट इज वॉट एक्चुअली आई हैव रिटन ऑन टू द स्लाइड्स टू कम बाय. सल्यूट टू गौरव यू दोस्तों कि आपने इतना अच्छा आंसर किया. नेक्स्ट, तो किकू पहला क्या क्वेश्चन आपके इस दोस्त गौरव ने क्लियर कराया? बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन, एब्सोल्यूटली ओके. एटलीस्ट टू पार्टनर्स, प्रॉफिट्स देयर अग्रीड रेशियो इन नीड, करेक्ट धनलक्ष्मी, करेक्ट. वेल डन गाइस, वेल डन. नमन क्या कह रहा है? नमन कह रहा है द पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु कम टुगेदर टू फॉर्म बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. वेल डन, वेल डन. तो पार्टनरशिप क्या है दोस्तों? एक बिजनेस एसोसिएशन जो आप लोगों ने बोला ना क्रिकेट के मैदान में होता है दोस्तों, वो भी पार्टनरशिप है. लेकिन यहां पर इफ आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटेंसी दोस्तों, इट इज बेसिकली अ बिजनेस रिलेशनशिप. ओके, बिटवीन टू और मोर पर्सन. और उसके बाद ये जितने दोस्तों ने लाइन लिखी है बिल्कुल सही लिखी, एक अरेंजमेंटेड अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन who agree to share their profit and losses in a agreed ratio. बिल्कुल सही, जिसमें वो सारे मिलकर भी काम कर सकते हैं और एक भी काम कर सकता है acting for all, एक भी काम कर सकता है acting for all. Yes or no? Yes or no? आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं सुन रखा होगा. Next, how many partners can be there? Now coming on to the second question. So the first question is answered. How many partners can be there? एक पार्टनरशिप फर्म है, मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट विद दैट? ये बताओ भाई, क्या सर हम 10 रख सकते हैं? क्या हम 50 रख सकते हैं? क्या हम 200 पार्टनर्स की एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट आंसर दोस्तों, जहां पर आई विश टू नो कि द मैक्सिमम मैक्सिमम. अजय का सबसे पहला आंसर आ गया है 50, शिवांश का उससे भी पहले आया था सर, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 देयर कैन बी अ मैक्सिमम 100 पार्टनर्स बट इन द अमेंडमेंट देयर कैन बी ओनली 50% पार्टनर्स करेंटली. वेल डन. नमन का आ गया मिनिमम 2 होने चाहिए. यस, क्योंकि अगर सिंगल हुआ तो वो सोल प्रोप्राइटर है. क्या सिंगल कंपनी बना सकता? हाँ, ओपीसी जिसे बोलते हैं, 1% कंपनी. हाउएवर क्या दोस्तों कैन देयर बी अ सिंगल पर्सन रनिंग अ पार्टनरशिप फर्म? नो, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए. पूजा कह रही है मैक्सिमम 100 हो सकते हैं. 100 तक की अथॉरिटी दी गई है, एम्पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट एज ऑफ नाउ द मैक्सिमम पार्टनर, जैसा कि तृप्ता ने भी कहा, कितने हो सकते हैं दोस्तों? द मैक्सिमम पार्टनर दैट कैन एक्चुअली बी टेकन केयर ऑफ इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50. ओके,
गोरिया मैक्सिमम टू नहीं मिनिमम टू, मैक्सिमम टू नहीं मिनिमम टू दोस्तों। हाउ आर द प्रॉफिट्स एलोकेटेड बिटवीन द पार्टनर्स? प्रॉफिट्स कैसे बांटा जाता है? जिसका जितना मन हो वो निकाल लेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर शायद मैं नहीं भी पूछता तो आप लोगों को पता होता, लेकिन ये तो हमारा दोस्त नालायक वाला है ना, शैतान वाला कीकू, कीकू ने जो जो क्वेश्चंस पूछे उसे आंसर देना पड़ेगा। और वैसे ही दोस्तों आप लोग भी जब जब जो जो क्वेश्चन पूछेंगे, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो कितना अच्छा हो कितना छोटा सा हो, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। हाँ जी दोस्तों, हाउ आर द प्रॉफिट्स एलोकेटेड बिटवीन द पार्टनर्स? द प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा पहले भी हो गई थी, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अकॉर्डिंग टू द डीड। वेल डन पूजा, और डीड में ही तो अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करते हैं। यस वेल डन, इन द अग्रीड रेशियो और इक्वली इफ नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। नमन, दिस वॉज माई क्वेश्चन टू यू, अ क्रॉस क्वेश्चन, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस हिसाब से लिखा हो इन द डीड वो तो अच्छी बात है, फिर उस हिसाब से बांट देंगे। इट माइट बी इन द रेशियो 3:2, 4:3, 1:1, लेकिन वॉट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड? व्हाट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड? तब मेरे दोस्त ने नमन ने सबसे पहले बोल दिया कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से चलेगा एज पर द पार्टनरशिप डीड। हाउएवर इफ देयर इज नो डीड, अगर कोई डीड है ही नहीं, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? इक्वली हो जाएगा, इक्वली। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? इफ पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट देन इन अग्रीड रेशियो, बिल्कुल सही। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट अग्रीड रेशियो। However, if the partnership deed is not present, it will be allocated between the partners equally. And the last question, कि को पढ़ाई नहीं करनी, अभी से पार्टनर बनना है? कहते नहीं नहीं सर, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन मन में क्वेश्चन आया कि सर मैं अभी 16 साल का हूं और एज ऑफ माइनर 18 ईयर्स तक रहते हैं सर हम, तो क्या मैं अभी पार्टनर ऑफ अ फर्म बन सकता हूं? Can I become a partner of a firm? कीकू के भाई कह रहे सर मेरे को कहीं पे भी सिग्नेचर वगैरह नहीं करने देते, कहते हैं तुम छोटे हो, तुम कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करोगे, और यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म में है तो सर कहीं ना कहीं अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट मुझे साइन करना पड़ा तो क्या मैं एज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म बन सकता हूँ? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, जो मेरे दोस्त ने पूछा है, जो मेरे दोस्त ने पूछा है, बेनिफिशियल टू दैट पार्टनर ज्वाइन इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, अगर धनलक्ष्मी बेसिकली ट्राइंग टू कन्वे कि सर अगर वो बेनिफिट्स के लिए जोड़ा जाए तो कर सकते हैं। नो, भूमिका कह रही है नहीं सर, नहीं कर सकते हैं, जनरली नहीं हो सकता। यू कैन जस्ट बिकम अ बेनिफिशियरी इन अ पार्टनरशिप फर्म, यू विल नॉट हैव एनी पर्सनल लायबिलिटीज। करेक्ट, वेल डन भूमिका। मतलब भूमिका इन हिज 2.5 लाइंस हैज स्टेटेड ऑल द पॉइंट्स दैट रिलेट्स टू कि माइनर एक पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता। इन दैट सिनेरियो दोस्तों जनरली नहीं बन सकता, ओनली इफ ऑल द पार्टनर्स हु आर ऑलरेडी, ओनली इफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अग्री कि एक छोटे को, एक छोटू को एक पार्टनर बना लिया जाए, एक पार्टनर बना लिया जाए, तो इन दैट केस पार्टनर बनाया जा सकता है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। In under any circumstances, you will not be forced or asked to bear the losses. No partner, no minor can be a partner, but only for profits he can be made a partner. If all partners agree, क्या बात है शिवांश? No minor, but beneficial purpose. Correct. Allowed नहीं है, लेकिन beneficial के लिए and with the consent of all the partners, he can actually become a partner of the firm. दोस्तों कीकू, क्या आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया? प्रभु कह रहे हाँ सर बिल्कुल जवाब मिल गया है। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इनको अगर आंसर करना हो, इनको अगर आंसर करना हो दोस्तों, तो उनके लिए मैंने अगली 4 स्लाइड्स पर दोस्तों
आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से लेकर आया हूं कि व्हाट शुड हैव बीन रिटन, कि अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन पार्टनरशिप या आपसे पूछा जाए व्हाट यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रेट जैकेट लाइन दैट यू कैन राइट एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। दोस्तों पार्टनरशिप, जैसा कि आप लोगों ने बताया, पार्टनरशिप क्या है दोस्तों? अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। दिस इज, दीज आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स दोस्तों, जो मैंने रेड कलर से अलग से मार्क कर रखे हैं, बिकॉज इट लीव्स अ गुड इंपैक्ट ऑन टू द एग्जामिनर। जब एग्जामिनर के पास जाता है ना आपका पेपर दोस्तों, तो इट विल लीव अ वेरी गुड इंपैक्ट। और जब एग्जामिनर देखता है ना कि बच्चे, द स्टूडेंट इज यूजिंग गुड वर्ड्स, ही विल नॉट डिडक्ट इवन हाफ अ मार्क। तो कहते हैं पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग टू और मोर पर्संस टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। चाहे सब साथ मिलकर काम करें या कोई एक काम कर ले, एक्टिंग फॉर ऑल। एक काम करें और बाकी सब बीच पर पार्टी कर रहे हैं तो भी क्या काम चल जाएगा? हाँ जी, काम चल जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एवरीबडी क्लियर अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? एवरीबडी पार्टनरशिप का क्या मतलब समझ गए हैं? कह रहे हैं हाँ सर, इट इज नॉट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन ऑन अ क्रिकेट फील्ड, इट इज बेसिकली अ बिजनेस रिलेशनशिप। पार्टनरशिप तो हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, मगर क्या वो बिजनेस रिलेशनशिप है? नहीं सर, वो पर्सनल रिलेशनशिप। करेक्ट, पार्टनरशिप तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी हो सकती है, लेकिन वो पर्सनल रिलेशनशिप, वो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। तो फॉर अकाउंटेंसी पर्पस देयर शुड बी अ बिजनेस रिलेशनशिप। द सेकंड क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड कि कितने हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टनर्स दोस्तों, ये देखो, हाउ मेनी पार्टनर्स कैन बी देयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स, किसे एम्पावर करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि भाई आप चाहो तो जितने मन चाहे पार्टनर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में 100 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते। Unless there is an amendment into the Companies Act 2013, तो Companies Act ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई मोदी जी आप बताओ कि एक मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, 100 से ज्यादा मत बोलना। इट इज नेसेसरी दैट पार्टनर शुड या मस्ट शेयर लॉसेस टू। ओके, गौरव का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या ये ऐसा जरूरी है कि पार्टनर को जब आपने लेकर आए हैं तो उसे लॉसेस शेयर करने ही पड़ेंगे अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है तो? नॉट नेसेसरीली, जनरली यस, जनरली यस, जो जनरल टर्म्स पे पार्टनरशिप डीड बनती है उसके हिसाब से यस, लेकिन अगर गारंटी ऑफ अ पार्टनर हुआ है, पार्टनर को गारंटी दी गई है कि आपको तो मिनिमम इतना तो हम देंगे ही, तो इन दैट केस अगर एज पर द पार्टनरशिप डीड हाँ जी, कहते हैं नो देयर आर पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट्स ओनली, यस, क्योंकि उन्हें गारंटी दे दी जाती है, सो इन दैट केस ही विल नॉट बी बियर द लॉसेस। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50, तो मैक्सिमम पार्टनर्स दोस्तों 10 इन इफेक्ट। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर्स, 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अगर कोई भी आपसे एमसीक्यू पूछेगा दोस्तों, तो व्हाट आर यू सपोज टू आंसर, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, कि एमसीक्यू किस हिसाब से बनता है उस हिसाब से आंसर करेंगे। आपसे ये पूछा जाता है कि कंपनीज एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया है, दे हैव एम्पावर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब The number of partners subject to maximum, तब उसमें 100 partners पे टिक करेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो 50 पर क्लिक करेंगे। There is a small difference दोस्तों between both the things, understanding? और उसी हिसाब से this is how you will have to answer into the examination hall. Next, third question जो मेरे दोस्त ने पूछा था वो था, सर हाउ आर प्रॉफिट एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन इन द डीड। अगर मेंशन्ड है तो वैसे ही चलेगा, बट इफ इट इज नॉट मेंशन्ड
इक्वली। सिर्फ क्या दोस्तों, यही होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली करते हैं। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है क्लास ट्वेल्थ में, मेरे को यार रिकॉल करवाओ, आई एम अ लिटिल गजनी टाइप, भूल जाता हूं दोस्तों। तो मेरे को ये बताओ कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? आप लोगों को हो सकता है आइडिया हो, हो सकता है आइडिया हो, नहीं हो तो मैं आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, सिखाऊंगा, ट्रीटमेंट कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, क्विजेस लूंगा, बुद्धू बनाऊंगा, सही करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी था, सैलरी कमीशन भी था, इंटरेस्ट ऑन लोन भी था, कुछ एक ऐसा ध्यान आ रहा है दोस्तों। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन मुझे आंसर करता है और व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस फोर पॉइंट्स, जिसके बारे में बहुत बार डिस्कशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सैलरी कमीशन। तो उस केसेस में क्या ट्रीटमेंट होता है, वेयर द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, बंद है, पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कहती, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू हेल्प मी आउट विद द सॉल्यूशन। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जब तक मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा भी देता हूं, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा भी था, इज इट नेसेसरी दैट एवरी पार्टनर शुड या मस्ट शेयर लॉसेस टू, द आंसर टू विच इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अच्छा, अब पहला आंसर आ गया गौरव का, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ओके, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन, नो सैलरी इज गिवेन। ओके, नो सैलरी कमीशन इज गिवेन, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। वैभव, 6% के आगे छोटा सा और लगा दो, PA, पर एनम। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। और आदत डाल लो दोस्तों मेरे साथ, दोस्तों छोटी छोटी चीजों पर भी गौर फरमाने का, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों से ही तो उस बच्चे का एक नंबर कट गया जो मेरे से पढ़ा था और 99 मार्क्स है, वो एक छोटी सी चीज ही तो होगी। तो आई डू नॉट वॉन्ट यू गाइज, यस गौरव ने अच्छा लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम, वेल डन, पर एनम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, गुड गुड गुड। चलो जी, चारों पॉइंट का मेरे सामने आंसर आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन इग्नोर, इट इज एज सिंपल एज दैट, इग्नोर। जब तक नहीं लिखा तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है तो 6% पर एनम कंसिडर करा जाएगा। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस, एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस नाउ, परफेक्ट परफेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट कहा, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर, जनरली नो, नहीं अलाउड नहीं है दोस्त, बट If all the partners agree, अगर सारे के सारे partners agree करते हैं तो एक छोटा बच्चा, a minor, may be admitted for the benefits of partnership, उसे जोड़ा जा सकता है, वो partnership firm का हिस्सा बन सकता है, only for the benefits, losses के लिए नहीं बनेगा, losses का burden will not fall onto the shoulders of the minor. Everybody clear about this? Everybody clear about this? हमारे साथ विक्रम बियानी सर जुड़े हैं, उनको abbreviated form में दुनिया जानती है VB सर कह के। Thank you so much sir for coming and appreciating our efforts sir, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे बड़े टीचर्स का हमारे साथ होता है तो it always feels great, it always feels so good कि कहीं ना कहीं हमारे साथ बड़े बड़े टीचर्स जुड़े हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। कहते हैं आई विल ज्वाइन एवरी डे एज यू वॉन्ट टू लर्न, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर आई वॉन्ट टू लर्न अकाउंट्स सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। दोस्तों आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, क्या ये एक छोटी सी शुरुआत हमारे बातचीत करते करते, यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन विद 40 मिनट्स, हमारे 40 मिनट हो चुके हैं, आप लोगों से शुरुआत कहां करी थी कि अकाउंटेंसी 100 मार्क्स, और आज हमारे इस दोस्त ने कीकू ने आप लोगों को पता है 4 पॉइंट्स भी करवा दिए, 4 थियोरेटिकल पॉइंट्स थे,
और उसके क्वेश्चंस के थ्रू वी कुड डू ऑल द फोर थ्योरेटिकल पॉइंट्स व्हिच एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द करेक्ट आंसर. जब आप लोग करेक्ट आंसर निकालेंगे दोस्तों, तो ये चारों पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना होगा. एंड कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे पॉइंट्स दोस्तों, जब आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक करेंगे ना, तो इट इज ना, वो होता है ना, जब फर्स्ट डे से आप लोगों की पढ़ाई होती है. मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ, अपने फ्रेंड से कहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को अपना दोस्त मानता हूँ, इसलिए बार बार आप लोगों को दोस्तों दोस्तों कह के कह रहा हूँ कि जब एक पेड़ काटना होता है ना एक एक्समैन को, तो वो जब वो उस कुल्हाड़ी से मारता है, इट इज नॉट कि जो फर्स्ट उसने स्ट्राइक किया उससे वो पेड़ गिर गया. ही कीप्स ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द सेम प्लेस, ही कीप्स ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द सेम प्लेस. और वो क्या करता है दोस्तों, इंतजार करता है वो 500 स्ट्राइक का, एंड विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट, कहते हैं ना, व्हेन यू डोंट स्टॉप व्हेन यू गेट टायर्ड, यू स्टॉप व्हेन यू आर डन. मेक श्योर दोस्तों कि आप लोगों की वही मन में ना, वही उमंग, मंग में वही जोश लेकर आना कि आज कुछ नया सीख कर जाएंगे राठी सर से. और जब वो 500 स्ट्राइक पड़ता है एंड द ट्री फॉल्स डाउन, दोस्तों क्या वो बिकॉज ऑफ ओनली द 500th अटेम्प्ट वो पेड़ गिरा, या द फर्स्ट टू 499 ईच एंड एवरी स्ट्राइक हैड इट्स ओन पार्ट, था कि नहीं था दोस्तों. और वो ही होगा जब छोटी सी शुरुआत करो, डू नॉट इग्नोर इट, डू नॉट इग्नोर द रूट्स ऑफ द चैप्टर्स, डू नॉट इग्नोर द बेस ऑफ द चैप्टर. कई बच्चों को लगता है बड़े चैप्टर्स कर लेंगे उससे ज्यादा वेटेज आती है. अरे बड़े चैप्टर्स को करने के लिए छोटों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, छोटों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? आज का सेशन दोस्तों यहीं तक रखेंगे हम लोग, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे. छोटी शुरुआत थी दोस्तों, एंड स्लोली स्टेडली वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द टाइम. स्लोली स्टेडली आई विल जस्ट टेक यू डायरेक्टली टू द पॉइंट, एंड हमारी तैयारी चालू हो जाएगी दोस्तों फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, मजा आया है तो लाइक बटन जरूर दबाना. और जाते जाते दोस्तों, जाते जाते आज एक ना एक छोटी सी शुरुआत हुई है, तो उस पर चार लाइनें आप लोगों से कहता हूँ, चार लाइनें आप लोगों से कहता हूँ दोस्तों. और ये बहुत अच्छी मेरे को कविता लगती है दोस्तों, आप लोगों ने भी सुनी भी होगी जस्ट कि आप लोगों के साथ जाते जाते ऑन अ हाई नोट आई वॉन्ट टू फिनिश इट अप. कि नन्नी चीटी, नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है, नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है. चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती. और अब चैट बॉक्स में लिखो लास्ट लाइन क्या है, चैट बॉक्स में लिखो लास्ट लाइन क्या है दोस्तों. आई एम वेटिंग दोस्तों, चैट बॉक्स में लिखो लास्ट लाइन क्या. आप लोग जानते हैं, हाँ जी, लास्ट लाइन सर है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. और वही दोस्तों, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग टू माय स्टूडेंट्स, कि जब आप एक क्वेश्चन करते हो, आई नो देयर विल बी क्वेश्चंस व्हिच विल हैव गुड अमाउंट ऑफ ट्रिक्स, व्हिच विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड आई एम गोना प्रिपेयर यू फॉर दैट, डू नॉट वरी अबाउट दैट. लेकिन जब एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को करो और नहीं आए. भूमिका का आ गया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वेल डन. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उस क्वेश्चन को दूसरी बार करो और वो फिर से ना आए. देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उसे थर्ड टाइम करो एंड इट स्टिल डज नॉट, द करेक्ट आंसर डज नॉट कम. एंड यू गाइज माइट फील अ लिटिल डीमोटिवेटेड, यार 3 बार कर लिया फिर भी आंसर नहीं आ रहा है. दोस्तों ऑलवेज बिलीव एंड इमेजिन कि आप लोगों ने जिस बच्चे ने 3 बार अटेम्प्ट किया, कम से कम उसे ये तो पता है कि देर आर 3 वेज विच डज नॉट वर्क आउट. उसे ये तो पता है कि 3 रास्ते हैं जो सही जवाब तक नहीं पहुंचाते. लेकिन जिसने कोशिश ही नहीं करी, द वन हू नेवर ट्राइड इट आउट, क्या उसको ये भी पता है कि देर आर 3 वेज विच डज नॉट वर्क आउट? तो यू आर ऑलवेज इन अ बेटर पोजिशन टू दोज हू एक्चुअली नेवर ट्राइड. अरे हाँ सर, ऐसा सोचते नहीं है हम, ऐसा सोचो दोस्तों. इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड अ बूस्ट इनटू योर एनर्जी दोस्तों. और ये कितना सही बोला है,
इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। और मैं चाहता हूं मेरे से जुड़ा हुआ हर दोस्त वो कोशिश करते रहे, वो रुके ना, वो थमे ना। ओके गाइस, चलो जी, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर हो सकता है शेयर करें। हम लोग हर रोज मिलेंगे, हम लोग कल भी मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, माता पिता की सेवा करना नहीं भूलेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।